नीट का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स और मैसेजेस आए हैं कि सर अब हम BDS लेने का सोच रहे हैं और क्या आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेंटल कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हैं और लगभग लगभग सारे ही अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये सवाल मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं आपको एक एक आइडिया देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप किस तरीके से अपने लिए एक डेंटल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, एक अच्छा डेंटल कॉलेज। क्योंकि अभी जैसे नीट के बाद बच्चे क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया, तो उनको देखने को मिलता है काफ़ी सारी लिस्ट निकलती हैं, फिर उनको वो देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इतने सारे कॉलेजेस हैं, अब मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे नंबर वन प्रायोरिटी आपको देनी है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका रैंक ऐसा है कि अब आपको प्राइवेट ऑप्शन पे जाना है और वो कॉलेज थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है जिसके थ्रू आप एक कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा एक कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए, जिसकी हेल्प से आप अपने लिए अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ कॉलेजेस के सजेशंस भी दूंगा जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए 5 A हमें याद रखने हैं हमेशा। सबसे पहली चीज़, अकेडमिक्स। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो तो वहाँ उस कॉलेज का अकेडमिक्स सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हो वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, या फिर आपने बड़े बड़े क्लासरूम देखकर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सोचा है चलो कॉलेज अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे उस कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है, तो ये आप फंस जाते हो उस कॉलेज में जाकर। तो अकेडमिक्स को किस तरीके से आप जस्टिफाई करोगे कि कैसे आप पता लगाओगे कि उस कॉलेज का अकेडमिक्स अच्छा है? सबसे पहली चीज़, वहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए। पेशेंट फ्लो से मतलब ये है कि BDS या फिर डेंटिस्ट्री या कोई भी मेडिकल की लाइन हो, वो एक तरीके से स्विमिंग की तरह होती है। आप स्विमिंग के बारे में कितना भी पढ़ लो, कितनी भी किताबें उठा के देख लो, आप स्विमिंग सिर्फ तब सीख सकते हो जब आप एक्चुअल में पानी में उतरते हो। उसी तरीके से उस कॉलेज में कितनी भी अच्छी पढ़ाई होती हो, लेकिन अगर वहाँ पेशेंट्स नहीं हैं तो फिर आप काम सीख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि वहाँ पर पेशेंट्स हैं या नहीं। उसके साथ आपको ये देखना होता है कि वहाँ पे किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर क्या एडवांसमेंट्स वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी जो मेडिकल साइंस है ना, काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे रोबोट्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो क्या वो कॉलेज इन सब चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए रेडी है? क्योंकि कई कॉलेजेस में आज भी 20-20 साल पुराने तरीके से इलाज सिखाया जाता है, जो आज के टाइम पे कोई करता भी नहीं है। और जब आप मार्केट में उतरते हो तो आपको वो एफर्ट लगाना पड़ता है वो नए तरीके के एडवांसमेंट सीखने के लिए। तो क्या उस कॉलेज में वो चीज़ सिखाई जाती है या नहीं सिखाई जाती, आपको वो चीज़ें पता लगानी है। वो आप पता लगा सकते हो वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के थ्रू, ताकि आप अपना एकेडमिक्स वाला पार्ट है ना अच्छे से कवर कर सको। देखो, पढ़ाई तो क्या होता है, कॉलेज में खुद ही करनी पड़ती है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कोई भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में चले जाओ, पढ़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कॉलेज के एकेडमिक्स पार्ट को लेकर सिर्फ यही देखा जाता है कि क्या वहाँ के टीचर्स आपको एंटरटेन कर रहे हैं जब आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, और क्या वहाँ पर पेशेंट्स हैं या नहीं। तो अगर वो ये 2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं ना कॉलेज के अंदर, तो उसका एकेडमिक्स अच्छा है, हम ये मान के चलते हैं। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है एक्टिविटी, कि क्या वो कॉलेज कॉन्फ्रेंसेस को लेकर एक्टिव है या नहीं। मिनिमम 2 कॉन्फ्रेंसेस एक साल के अंदर कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, या फिर कॉलेज का उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे कॉलेज में हो रही हो, लेकिन आपका कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हो, वो आपको उसके लिए पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करता हो कि चलो अब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हमें इसमें पार्ट लेना है। अगर वहाँ के स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे सीनियर्स को देखना है जो वहाँ पे पहले ही पढ़ रहे हैं, कि क्या वो उस चीज़ को लेकर एक्टिव हैं, या फिर कितने अचीवमेंट्स इस कॉलेज को मिले हैं कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, या कितने पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं, कितने पोस्टर प्रेजेंट किए जाते हैं, या फिर कितना ज़्यादा आर्टिकल्स को लेकर, पब्लिकेशंस को लेकर ये कॉलेज एक्टिव है। वो चीज़ें ये बताती है कि हाँ, इस कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं। ये तो हो गई एकेडमिकल एक्टिविटीज़, इसके साथ ही होती कल्चरल एक्टिविटीज़, जो कि कॉलेज में स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट इवेंट ये सब होते हैं। तो ठीक है, स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट इवेंट तो ठीक ठाक लेवल पे होना चाहिए, इतना ज़्यादा हम इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंसिस को लेकर वो कॉलेज एक्टिव रहना चाहिए।
ठीक है। इसके साथ ही तीसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो देखनी है अकोमोडेशन, क्योंकि कई सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं कि वो कॉलेज के बाहर नहीं रह सकते, उन्हें कॉलेज के अंदर ही रहना होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और पेरेंट्स का कंसर्न भी रहता है कि लड़कियां ज़्यादा बाहर ना रहें क्योंकि सिक्योरिटी का इशू रहता है। तो वहाँ उस कॉलेज में अकोमोडेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसा एक्सपेक्टेशन तो मत रखना, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि आपका काम चल जाए, साथ में वहाँ पे खाना थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ आपको देखनी है, लेकिन इतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करना कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, ओके ओके भी होगा तो वो चलेगा। चौथी चीज़ होती है एक्रीडेशन, कि वो जो कॉलेज है वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर कितना सीरियस है। लाइक जैसे कुछ कॉलेजेस अगर आप इंडिया में सर्च करेंगे तो वो नैक अप्रूव्ड होते हैं, NAAC। नैक क्या होता है, ये क्वालिटी काउंसिल बॉडी आप मान सकते हो है, जो ये पता करती है कि क्या ये कॉलेज स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं, यानी कि इस कॉलेज के अंदर इतने स्टैंडर्ड्स हैं कि हाँ हम मान सकते हैं एक अच्छा कॉलेज है। तो अगर किसी कॉलेज के पास नैक एक्रीडेशन है, ठीक है, वो अकेडमिक्स में अच्छा है, साथ में कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज़ कराता है, तो हम उसको एक अच्छे कॉलेज की कैटेगरी में मानते हैं। तो नैक अप्रूवल कुछ ही कॉलेज हैं, तो अगर आप गूगल पे फिर अगेन सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे जो नैक एक्रीडेटेड है। इतना इजीली ये एक्रीडेशन मिलता नहीं है, काफ़ी टफ रहता है ये मिलना, लेकिन अगर किसी कॉलेज के पास ये है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये कॉलेज अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर तो सीरियस है। इसके साथ ही पाँचवीं चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउंस, कि उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप सबसे पहले वही लो, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप इतने में MBBS ही कर लो, तो और इतनी होनी चाहिए कि आप अफोर्ड कर सको उसे। तो एक कॉलेज की जो एवरेज फ़ीस मानी जाती है साल भर की, वो 2 से लेकर 4 लाख रुपये तक हो सकती है, इंक्लूडिंग आपका रहना खाना अकोमोडेशन सब कुछ। तो अगर इतनी फीस के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, हम इसको अच्छा मानेंगे। तो यहाँ पर हमने किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए 5 चीज़ें देखी, वो क्या थी, सबसे पहला वो एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, दूसरा एक्टिविटी पार्ट अच्छा होना चाहिए, तीसरा अकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए, चौथा एक्रीडेशन, और पाँचवा अलाउंस। अगर ये 5 A आपको किसी भी कॉलेज में ऑब्जर्व करने के बाद सही मिलते हैं तो आपको उस कॉलेज में जाना चाहिए। अगर अब ये मैंने वीडियो बनाया और मैं कुछ कॉलेजेस के नाम सजेस्ट ना करूं तो यहाँ पर ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे को दिल्ली NCR साइट से आई हैं, तो इसलिए मैं 5 कॉलेजेस के नाम आपको यहाँ पर बताऊंगा जो उस साइट पर मुझे सही लगे। आप चाहो तो वहाँ पर विजिट करके ऑब्जर्व करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, आपको विजिट करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और फिर एडमिशन लेना है। तो वो 5 कॉलेजेस के नाम मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले IDST डेंटल कॉलेज मोदी नगर, सेकंड मानव रचना डेंटल कॉलेज फरीदाबाद, थर्ड ITS डेंटल कॉलेज नोएडा, फोर्थ इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज एंड फिफ्थ सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ। ये 5 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा ये तो मैंने दिल्ली NCR साइट के बताए हैं, इसके अलावा इनमें से भी, इन 5 में से भी जो मुझे सबसे अच्छा कॉलेज लगा है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो है IDST डेंटल कॉलेज मोदी नगर, क्योंकि यहाँ पर मैंने अकोमोडेशन देखा, यहाँ का मैंने अकेडमिक्स देखा, यहाँ पर मैंने एडवांसमेंट्स भी देखे हैं कि यहाँ इस कॉलेज के अंदर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने 5 कॉलेजेस के नाम आपके सामने लिए, यहाँ पर अच्छे लेवल पे आपको मशीनरी मिल जाती है, अच्छे लेवल पे आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं ताकि आप एक एडवांस लेवल का डेंटल ट्रीटमेंट सीख सको। अगेन मैं आपको इस वीडियो में यही बोलूँगा कि मेरे बोलने पे तो ठीक है, लेकिन आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखना इन कॉलेजेस को, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ कि एक कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये क्लैरिटी मिली होगी कि आप किस तरीके से अपने लिए एक डेंटल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब आप विज़िट करोगे कुछ डेंटल कॉलेजेस को तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, साथ में यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे मैसेजेस करके पूछ सकते हो। कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है जिनकी फैमिलीज़ में, वो खुद पहले डॉक्टर बनने वाले होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को इतनी नॉलेज नहीं होती है तो परेशानी आती है।
मैं भी उसी फैमिली का एक पार्ट रहा हूँ जहाँ पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर कन्फ्यूजन। तो आप बिल्कुल बेशक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।